नाव को एक सुबह सुबह हमें जानकारी मिलती है कि एक ट्रक जो श्रीनगर की तरफ से जा रहा था, तो उसका एक्सीडेंट पंथियाल के पास हो चुका है। तो उसी वक्त मैंने एसएचओ को कहा कि फौरन मौके पे पहुंचो। एसएचओ मौके पे पहुंचा और उसको उसने बताया कि ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मैं नीचे पहुंच नहीं पाता हूँ क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन था। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम और लोकल जो हमारी क्यूआरटीज हैं सिविलियंस की, उन टीमों को बुलाया गया, रस्सा डाला गया और रस्से की मदद से कुछ लोग सिविलियन, एसडीआरएफ और पुलिस के लोग नीचे पहुंचे। तो हमारा पहला प्रयास था कि ड्राइवर के बारे में लोकेट किया जाए, ड्राइवर को लोकेट करके उसकी जान बचाई जाए। तो हम सरप्राइज हुए कि वहां पे ना कोई ब्लड स्टैन थे और ना ही कोई ड्राइवर गाड़ी के अंदर हमें मिला। हमने दोबारा से उसको रिसर्च करवाया कि दोबारा इसको तलाश करो सो दैट हमें ड्राइवर मिले किसी भी हालत में। तो ड्राइवर नहीं मिला और वहां से फोटोग्राफी उसी वक्त आ गई कि कुछ ड्राई फ्रूट के डब्बे उसमें थे, 2, 4, 5 डब्बे, इससे ज्यादा नहीं थे। तो उसके अलावा वो बताते हैं जी इसमें कुछ चीज नहीं था। तो हमें इस चीज की आश्चर्य हुआ कि ये कैसे है, कैसे हो सकता है, ये ड्राइवर भी नहीं है, कोई ब्लड भी नहीं है, इंजर्ड भी कोई नहीं है। तो हमने केस रजिस्टर किया और केस रजिस्टर करने के बाद जब लोगों को पता लगा तो हमें मालिकान जो है जिन्होंने फ्रूट भेजा था उनकी तरफ से कॉल आई कि इस ट्रक में ड्राई फ्रूट थे। हमने कहा आके चेक कर लीजिए, यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट नहीं है। फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की और मालूम किया कि इसका ऑनर कौन है, ड्राइवर कौन है, और फाइनली हम 19 को जाके कहीं, ड्राइवर चूंकि बाकी अवंतीपुरा चला गया था, 19 को हमने ड्राइवर को अरेस्ट किया और तब जाके कहानी खुली और पता लगा कि ड्राइवर ने ट्रक जो है वो खाली ट्रक को नीचे फेंक दिया है। और पता लगा कि मालिक ने 14 को ट्रक लोड जम्मू से होता है और अपने नगरोटा के पास में इसकी पलटी होती है और पलटी एक दूसरे ट्रक में हो जाती है और उस ट्रक में ड्राई फ्रूट डाल के रजौरी चला जाता है और ये ट्रक यहाँ आके एक ड्रामाई अंदाज में नीचे उसका एक्सीडेंट कर दिया जाता है। हमने ट्रक ड्राइवर के मालिक को भी अरेस्ट कर लिया और वो दूसरा ट्रक जो इस मटेरियल को लेके रियासी उधमपुर पहुंचा था और उसके बाद में वो रजौरी पहुंचा था, उसको भी अरेस्ट कर लिया है। और इन सभी अरेस्ट के साथ साथ एक और बंदा था जिसका नाम मोहम्मद अय्याज है, सना मोहम्मद अफजल, ये पुली चसाना का रहने वाला, ये इनके बीच में इंटरमीडिएट का काम करता था, इसको भी अरेस्ट किया है। जो अभी हमारे पास 4 अरेस्ट हैं उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला जो गाड़ी का ड्राइवर है, इब्रार अली जिसकी गाड़ी में पलटी होकर अपने रजौरी में सामान पहुंचे, ये रजौरी नौशहरा का रहने वाला है, ड्राइवर मोहम्मद शबीर ये भी हमारे पास अरेस्ट है, ये तुली चसाना का रहने वाला, और दूसरा ड्राइवर और जो इंटरमीडिएट बंदा है वो मोहम्मद फयाज अहमद, ये भी तुली चसाना का रहने वाला है। हमने जो जो भी रिकवरीज थी इस ट्रक में वो हमने रिकवरी रजौरी से कर ली थी क्योंकि ये मटेरियल इनने रजौरी एक दुकान में छुपा के रखा था, उसको हमने रिकवर कर लिया और उसको हमने जब्त करके केस में थाने पहुंचाया है। चारों लोग जो इस केस में हमें जरूरत थी वो सभी अरेस्ट किए गए हैं और मटेरियल हमने पूरा रिकवर कर लिया है। अभी हम इसको मैच कर रहे हैं और जैसे ही आगे इसकी जो भी कार्रवाइयाँ लीगल होती हैं वो लीगल कार्रवाइयाँ होंगी और इस टाइप के हम चाहते हैं कि इस टाइप के दोबारा काम ना हो, इसलिए हम चाहते थे कि आपके माध्यम से हम सभी लोगों को इसके बारे में